बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे यानी सबसे फेमस है, वहाँ पे हम दर्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड्स नहीं है। अब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो फिर हम यानी अपनी तालीम नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद हम पाकिस्तान आए कि अपनी तालीम को यानी ज़्यादा तालीम करें, उसको कंप्लीट करें। तो फिर यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, हमारे पास आईडी कार्ड ऐसे कुछ भी नहीं थे, तो यानी ज़्यादा वक्त हमारा वेस्ट हुआ है। वहाँ अफगानिस्तान में मैं ज़िंदगी करती थी, तो फिर वह यानी ज़्यादा स्कूल के बाद जो हमने कम्प्लीट कर लिया, तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी हम उसमें दर्स पढ़ते थे। वहाँ बास्केटबॉल यानी मैं एक प्लेयर थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे वैक्सीनेशन में भी मैं काम करती थी। हाँ, मेरे हम तो 9 फैमिली मेंबर्स थे, जो हमारे अबू, मेरी अम्मी है, सिस्टर, 6 सिस्टर्स है, एक भाई है हमारा। तो वो अफगानिस्तान में भी स्कूल पढ़ते थे, यहाँ पर भी अहमद शाह वाली लेसे में ये लोग पढ़ते हैं यानी स्कूल में। सिर्फ मैं और मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, तो हम दोनों नहीं कर सकते क्योंकि हम स्कूल से फारिग हुए। ऑलिन हमारे टेलर मास्टर यानी कपड़े सिलाई करते हैं। हम लोग कंधार से इस वजह से आया है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज ये सारा बंद हो गया तालिबान की वजह से, खुसूसन लड़कियों के लिए। लड़कों का तो उसका कोई मसला नहीं है। हमारी दो लड़कियां स्कूल वो पांतुल में कॉलेज में पढ़ते थे, ये यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ पे उन लोगों का जब यूनिवर्सिटी बंद हो गया तो हम लोग मजबूर हो के बलूचिस्तान आ गया। तो हमारे पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है, माजर कार्ड है यूनिसीआर के, अक्वामे मुताहिदे के। तो वो हम लोगों ने दिखाया, उन्होंने बोला कि इसका वो दाखिला नहीं मिलता है इस कार्ड के उसका। तो हम लोग अभी बस बैठे हैं, क्या करें। लोग दिन रात ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में ये तालिबान इजाज़त दे दे यूनिवर्सिटी में और स्कूल में, कि सारे लड़कियां और जो भी है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी जाए और उधर पढ़े। तो जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है हम लोगों को, लेडीज़ की ज़रूरत है डॉक्टर की, तो डॉक्टर वो अपना डॉक्टरी पढ़ ले उधर, यही हमारा ख्वाहिश है हम लोगों से बस। मेरे ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ पे हम अपना वो जो स्टडीज़ थे वो कंप्लीट करें, और वैसे बास्केटबॉल के बक्स में यानी बहुत ज़्यादा मैं चाहती थी कि और कंट्रीज़ जो या प्रोवेंस जो है वहाँ पे मैं जाऊँ, वहाँ पे यानी खेलो, एक चीज़ करो। वैसे डिमांड तो ये है कि वो ज़्यादा हमारे बहनें जो है ना, उसको यानी तालीम उसका वही पे यानी वो नहीं कर सकते कि ज़्यादा तालीम करें। तो बस यही डिमांड है कि उन लोगों को इजाज़त दे कि वो अपने तालीम पूरा करें। वैसे हम भी यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह अपने तालीम जो वही पे हमने छोड़ा था, इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा कर लें। और वो यानी सबसे यही ख्वाहिश है कि फिर हमारा अफगानिस्तान जो है वो फिर वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। पता नहीं, बस थोड़ा उम्मीद सही है, पर नहीं पता कि आइंदा में क्या हो जाएगा। बस अल्लाह से और सब या जो यानी उस लोग जो है ना, उससे यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह वो हमारे साथ कुछ हेल्प करे कि इंशाल्लाह हम कुछ जगह तक पहुंच जाएं।